नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी डिटॉक्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शरीर में अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब आप पहचानें कि आपके शरीर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप समझें कि आपके शरीर में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे कौन से ड्रिंक्स हैं जो आप बहुत इजीली अपने घर में मिलने वाली सामग्रियों से बना सकते हैं और उसको प्रिपेयर करके आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 डिफरेंट डिटॉक्स करने के ड्रिंक्स बताऊंगी जो बहुत ही इजीली घर में मिलने वाली सामग्रियों से बन जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो टॉक्सिन है वो हमारे शरीर में आते कैसे हैं। जितने भी टॉक्सिन हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, ये सारे चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर में इन्वायरमेंट के थ्रू अंदर जाते हैं, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट में ये सारी टॉक्सिसिटी है वो हम इन्हेल करते हैं, तो थ्रू एयर हमारे शरीर में जाती है। इसके अलावा जो हम पानी लेते हैं या जो हम खाना लेते हैं, इन सब के थ्रू वो हमारे शरीर में जाती है, और धीरे धीरे करके जब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे शरीर में तो ये ऐसे लक्षण देने लगता है जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि शरीर को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लक्षण आपको देखने को मिले। 10 ऐसे साइन और सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको आए दिन ये शरीर में दिख रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि अपने शरीर को आपको डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डलनेस और फटीगनेस लगती है, आप बहुत ज़्यादा डल महसूस करते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती हो, आए दिन आपको सर दर्द रहता हो, आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा पुअर रहता हो, आपको स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस बार बार निकलते हो, और बहुत प्रोन हो स्किन इन्फेक्शन के लिए, आपका डाइजेशन बहुत पुअर रहता हो, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी वाली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आए दिन देखने को मिलती है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको डाइजेशन बहुत ख़राब रहता हो, आपको ब्लोटिंग लगती हो, पेट बहुत ज़्यादा गैस बनती सी फूला सा लगता हो, मेंटल सिम्टम्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है कि आपको जल्दी चीज़ें याद नहीं रहती, और याद रहती तो बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं, आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप वेट अगर लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका वेट बहुत स्टबन हो गया हो और वेट लूज़ नहीं हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बना के रखे हैं, और इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं वो आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं वो आपके शरीर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है उसको कम करते हैं, आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको किल करते हैं, आपको एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन को बहुत हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके वेट को कम करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हो गए और ये बेनिफिट्स हो गए जिसको आप सभी जाने और समझें कि आपके शरीर को डिटॉक्स की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। अब चलिए हम बात करते हैं ड्रिंक्स के बारे में। आज मैं आपको 3 ड्रिंक्स बताऊंगी जो बहुत ही इजीली घर में मिलने वाली चीज़ों से प्रिपेयर हो जाएगा और आपको हेल्प करेगा आपके शरीर को डिटॉक्स करने में। तो सबसे पहले ड्रिंक के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों जो फर्स्ट ड्रिंक है वो है कुकम्बर एंड लाइम डिटॉक्स ड्रिंक। इसमें कुकम्बर मतलब जो खीरा एंड लाइम मतलब जो नींबू है, इससे प्रिपेयर किया हुआ ड्रिंक। आपको करना क्या है, एक आपको मीडियम साइज का कुकम्बर यानी कि खीरा लेके आना है, एक लगभग मीडियम साइज का आपको नींबू लेना है, लगभग एक मुट्ठी आपको पुदीने के पत्ते लेने हैं जिसको मिंट लीव बोलते हैं, और आपको आधा इंच अदरक चाहिए। ये ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपको अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत इजीली आपको घर में अवेलेबल मिल जाएंगी। अब आपको इस ड्रिंक को प्रिपेयर कैसे करना है, आपको जो कुकम्बर है उसके पतले पतले स्लाइस काटने हैं, मतलब जो खीरा है, ककड़ी भी कुछ जगह पे बोली जाती है ये, उसके पतले पतले स्लाइस करने हैं, नींबू के भी आपको पतले पतले स्लाइस करने हैं, जो मिंट यानी कि जो पुदीने की पत्ती है उसको अच्छे से धो के उसके डंठल अलग करके सिर्फ पत्तियाँ ले लें, और जो अदरक है उसके ऊपर का छिलका हटा के उसको भी लंबे लंबे आप स्लाइस कर लें। अब आपको करना क्या है कि आपको एक ग्लास का मतलब शीशे का जार लेना है, आपको प्लास्टिक बॉटल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। आप शीशे की बॉटल ले सकते हैं, आप शीशे का जग ले सकते हैं, उसमें लगभग आप 500 ml के करीब पानी को भर दें, और ये सारी ही इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर डाल के आप रात में रख दें,
और लगभग 7 से 8 घंटे ओवरनाइट आप इसको उसके अंदर भीगा रहने दें, जितने भी पदार्थ हैं जितने भी मटेरियल मैंने बताए उस पानी के अंदर भीगे रहें। और आप सुबह में इसको जो है छान कर एक ग्लास, क्योंकि 500 ml मैंने डलवाया है तो 2 ग्लास आपके पर डे के उसमें प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास आप सुबह में खाली पेट पिए और 1 ग्लास आप शाम के वक्त पानी का इसको पिए। ये आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिक थिंग हैं उनको आपके शरीर से फ्लश आउट करने में बहुत ही हद तक आपको हेल्प करने वाला है। सेकेंड ड्रिंक है दोस्तों ऑरेंज एंड क्लोव का ड्रिंक, जिसमें ऑरेंज मींस संतरा एंड क्लोव मतलब जो लौंग होती है उसका ड्रिंक प्रिपेयर करना है। इसके लिए अगेन आपको एक मीडियम साइज का जो ऑरेंज है उसके एक स्लाइस, सिर्फ एक स्लाइस की आवश्यकता है, एक गोल स्लाइस आप उसका काट लें। इसके साथ साथ 4 से 5 आप लौंग लें, 1 चम्मच आपको हनी की ज़रूरत होगी और आपको 500 ml पानी की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, इन सभी को 500 ml शीशे के जार में डाल के अच्छे से मिला देना है और लगभग 8 घंटे तक आपको रेफ्रिजरेट करना है। मतलब इसको बना के आप अपने फ्रिज में रख दें, और अगर फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो ऐसी ठंडी जगह पर रखें जहाँ पर ये ठंडा रहे, इसमें गर्मी नहीं आने पाए। तो आप इसको रात भर ओवरनाइट आप फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके सुबह आप इसको खाली पेट पी सकते हैं, और शाम में इसके जो सेकंड ग्लास ऑफ ड्रिंक है वो आप शाम के समय ले सकते हैं। ये आपको बहुत हद तक बॉडी के जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं शरीर से निकालने में हेल्प करेगा। जो हमारा ऑरेंज होता है अगेन उसमें रिच विटामिन सी होती है, ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, टॉक्सिक को रिमूव करता है। क्लोव में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ में ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट रिडक्शन में जो ऑरेंज है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। आपके बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स हैं उनको ये किल करने में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके शरीर को एक रिफ्रेशिंग सा फील देगा। तो आप ये सेकेंड ड्रिंक भी ट्राई कर सकते हैं। जो थर्ड ड्रिंक है दोस्तों वो है एप्पल साइडर डिटॉक्स ड्रिंक। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो एप्पल साइडर विनेगर होता है उसके 2 टेबल स्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, 2 लौंग लेनी है और 1 चम्मच आपको हनी लेना है। इसके लिए आपको 1 ग्लास में, बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ग्लास ही यूज़ करें, आप स्टील या प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। 1 ग्लास भर के आप पानी लें, उसमें 2 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर डालें, 1 चम्मच हनी और 2 लौंग जो है उसको डाल के अच्छे से स्टर करके आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसको पी लें। इसको आपको रेफ्रिजरेट यानी कि फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको आप जैसे ही प्रिपेयर करते हैं आप इसको इमिडिएटली इसका सेवन करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी जो प्रयोग करना है वो ठंडा पानी प्रयोग करना है, इसमें चिल्ड वाटर लेना है और उसमें ये सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल के आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप इमिडिएटली नहीं ले पा रहे तो आप इसको मैक्सिमम 4 घंटे तक ही रखें, उससे ज़्यादा रखा हुआ पानी का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। एज यू नो कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट के साथ आता है। ये आपके शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ अलॉन्ग विथ जो हनी है, हनी अगेन आप में जो हनी, हिंदी में उसको शहद बोलते हैं, अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो वो जान लें, जो हनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, अगेन वेट कम करने में मदद करता है। जो क्लोव यानी कि जो लौंग है वो आपके शरीर में जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको फ्लश आउट करता है, वेट कम करने में मदद करता है। तो ये 3 ऐसे ड्रिंक है दोस्तों कि मुझे लगता है ये सारे ही सामग्रियां हर किसी के घर में बहुत इजीली मिल जाती हैं। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको ये तीनों ही ड्रिंक्स का प्रयोग करना है, इन तीनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन लगातार इसका प्रयोग करें, सुबह शाम आप एक एक ग्लास पिए, और इसको 3 दिन रिपीट करने के बाद हर 15 दिन से मैक्सिमम 1 महीने में आप इसका सेवन रिपीटेडली करते रहें। ये आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको शरीर से फ्लैश आउट कर देगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।